कम से कम बेटा 30 लाख रुपया वो खा चुका हुआ मेरे, तो इसके 5% नहीं 95% बेटा कुर्ते खराब हो चुके हुए थे। कहता लूला तू लम्बा प्यार में कि तेरी बुड्ढी रुकी हुई थाने तक चेहरी डोल दे। मेरा मियाँ हाइपर हो गया, ऐसा हाइपर हुआ बेटा मैं हॉस्पिटल के अभी दोबारा वापस घर नहीं आया। हमने तुझे भाई बना कर तुमने मेरी जड़े काट दी है। क्या अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो फिर हमें मार दो यहाँ पे। वकालत तो दी गई है हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। हमने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला देने वाला बनाई लेने वाला ना बनाई। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलहा दरान के साथ आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। जी नाज़रीन, मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं ये एक SHO की बेवा मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर हम लोगों ने दीवारों पे मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात देखे हैं जिसके अंदर एक इश्तिहार अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बे औलाद जोड़ा हमसे राबता करे। ऐसे ही SHO और उनकी जो एहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी एक बे औलाद जोड़ा था। इनको पता चलता है किसी की तवसल से कि फ़लाँ हकीम है उनके पास जाएँ, उनके पास पूरा इलाज है, पूरा हल है आप लोगों के मसले का, और आपकी जो है उनके पास जाने के बाद आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये और इनका खामन जो है, जाहिर है हर किसी को तलब होती है कि हमारी भी औलाद हो, हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने खेलते चहचहाते खिलखिलाते हुए बच्चे हों। इसी लालच में ये हकीम साहब के पास जाते हैं, हकीम साहब इनका इलाज शुरू कर देते हैं और इनको फुल गारंटी भी देते हैं कि आपके घर में औलाद होगी और आप भी जो है जाहिर है एक जो जोड़े के ख्वाब होते हैं आपका भी एक दिन पूरा हो जाएगा। इलाज चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। कुछ इस तरह की अदवियात दी जाती हैं इनके मुताबिक कि जब इनके शोर वो अद्वियात खाना शुरू कर देते हैं कुछ अर्से बाद उनको फालिज का अटैक हो जाता है। फालिज का अटैक होने के बाद भी क्योंकि इनके दिल में लालच होती है औलाद को लेकर, तो ये फिर भी उसी हकीम से रुजू करते हैं क्योंकि हकीम ने इनके जो सब्ज बाग इस तरह के दिखाए होते हैं कि इनको मुकम्मल यकीन होता है उस हकीम पर। फिर दोबारा से ही फालिज का ही इलाज अपने ही हकीम से करवाना शुरू कर देते हैं। वो हकीम सिर्फ हिकमत तक ही नहीं रहता, इनके घर में भी आना शुरू कर देता है और उनके घर में आकर चिल्ले काटने की भी कोशिश करता है। हिकमत से तो वो पैसे इनसे बटोर ही रहा था, हिकमत के अलावा जब इनके घर आके चिल्ले काटने शुरू कर देता है तो चिल्ले काट काट कर भी इनसे पैसे बटोरने शुरू कर देता है। और आखिर मामला इस हद तक आ जाता है कि इनके जो शोहर हैं उनकी दवाइयाँ इनके मुताबिक उनकी दवाइयाँ खा खा कर इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाती हैं। और उनका जो बेटा है जो कि वकील है, इनकी ये बता रही हैं वकील है, जब ये केस करती हैं उस पर या पुलिस में जाती हैं या किसी से शिकायत करती हैं तो वही उनका बेटा उल्टा इन पर केसेज कर देता है, इन पर पैसों के दावे कर देता है। 2-2 करोड़ रुपए तक का दावा किया हुआ है इन पर। बाकी जो कहानी है, बाकी जो दस्तान है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालसा बेटा। हाँ जी, पहले दुख भी अफसोस भी। अच्छा जी, वाकया बताएं, एक SHO के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, दास्तान की कहानी शुरू कब से हुई है? बेटा जब हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं ना, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं ना, तो वहाँ पे मेरा मियाँ एक होटल में बैठते थे। वो कहता है उसने 2 नौसरबाज छोड़े हुए थे, जवेद और अख्तर। उन्होंने कहा कि वो मेरे मियाँ से सारा पूरा टाइटल है। उसने कहा कितने बच्चे? मेरे मियाँ ने कहा तुम्हारे को, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं। बेटा औलाद किसकी ज़रूरत नहीं होती, 55 साल उसकी उम्र हो चुकी हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हाँ, मेरे मियाँ ने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं है तो मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। कहता है मेरा एक दोस्त है हकीम अनवर, आप उससे मिलो तो इंशाल्लाह ताला आपके घर औलाद होगी। हम गए हैं उसके पास, उसने 2 साल पहले ये तकरीबन बेटा 3 साल पहले की बात है जी बेटा। तो उसने कहा कि तुम्हारा 2-3 माह 4 माह 6 माह इलाज करूँगा तो इंशाल्लाह ताला आपके घर औलाद होगी। हम लोग गए हैं, पूरा इलाज करवाया है। इलाज करवाने के बाद उसके बाद ये हुआ है कि उसे फालिज का अटैक हो गया तकरीबन 6 माह दवाई खाने के बाद। और उसका तो ऐसा जिस्म छोड़ दिया गया था कि वो तो करवट तक नहीं बेटा ले सकते थे। ये हमें अख्तर हॉस्पिटल ले गए हैं, हम अख्तर हॉस्पिटल गए हैं, तो अख्तर हॉस्पिटल गए हैं तो उसने कहा कि यहाँ ये लोग आप लोगों को कोरोने में डाल देंगे, तो आप इस तरह करो कि आप घर चले जाओ। हम 10 दिन अख्तर हॉस्पिटल रहे हैं। जब हम लोग घर आए तो कहता मैं तुम ये 3 नौसरबाज बैठ गए, कहता ये इलाज करेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो तुम लोगों को एक है कि तुम लोग 2000-2500 रोज़ डेली की दवाई खा सकते हो। हमने कहा हम खा सकते हैं क्योंकि मेरे मियाँ कैसी हजात रहा थी बेटा, तो हमने कहा हम खा सकते हैं पर मेरा मियाँ चलना चाहिए। उन्होंने करते करते फिर उस बीच में फिजियोथेरेपी वाला भी डाल दिया, कहता है उसका 20,000 रुपये लादा लेगा महीने का, महीने का। अच्छा। उसने 20,000 रुपये लादा लिया है महीने का। हम लोग देते रहे हैं, हर चीज़ करते रहे हैं। उसने कहा कि इसे इतने टीके लगने हैं, उसका 20,000 रुपया मुझे लादा चाहिए।
हम लोग उस टीको का भी 20,000 बेटा से लादा देते रहे हैं कि ये चल जाए। जैसे जैसे से पट्टे छोड़े थे वैसे वैसे उसके पट्टे खुलने शुरू हो गए। हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है ये चलना तो शुरू होगा इंशाल्लाह, उम्मीद नजर आनी शुरू हो गई थी। पर आखिर में आके कहता है कि जी मेरी मेडिसिन महंगी हो गई है, आप इस तरह करोगे आप हॉस्पिटल चले जाओ भी हॉस्पिटल। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला ना तो आप कितने अरसे के बाद उसने आपको कहा था कि हॉस्पिटल चले जाएं, कितना उसमें 3 साल बाद बेटा 3 साल बाद जी आप हॉस्पिटल चले जाओ। तो 3 साल तक वो कितने पैसे आपसे बटोर चुका है? कम से कम बेटा 30 लाख रुपया वो खा चुका होगा मेरे से। उस दौरान वो चिल्ले भी काट रहेगा? जी बेटा चिल्ले काटता रहा, कहते इसके बहन भाइयों ने जादू तवीत की है तो इसे उससे चिल्ले काटे हैं, उसको जादू तवीत। मैंने कहा क्या बात है तुम लोग जादू तवीत कर भी चिल्ले भी काट रहे हो, ये चल भी नहीं रहा, बचा क्या है? तो कहता दवाई जो आ रही है इंडिया से बहुत महंगी होगी, बंद हो गई है। अच्छा। तो इसलिए करो कि आप लोग ना 2 महीने ना हॉस्पिटल चले जाओ। हम भी हॉस्पिटल चले गए हैं, जब वहाँ पे उसने टेस्ट वगैरह करवाए ना तो उसने उनको दाखिल कर लिया था तो इसके 95% बेटा कुत्ते ख़राब हो चुके हुए थे, वो डायलिसिस पे आ गया था। ये भी बाद में गए हैं हॉस्पिटल, मैं घर आई हूँ तो मेरे पीछे से हॉस्पिटल गए हैं तो उससे सैन अंगूठे करवा लाए, इस कहते कि तो मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा। जब के शोहर से अंगूठे लगवा जी बेटा, कहता है मेरा बेटा वकील है तो तुम्हारे नाम मैं मकान कर दूंगा। मैं क्यों करूँ, ये मेरे मियाँ के नाम रहेगा। जब मैंने अपने मियाँ से पूछा तो कहता है मैं तो सैन अंगूठे कर चुका हुआ हूँ, फिर हमें पता चला इसने हमारे साथ ये 9 साल की है। उसने मकान किसके नाम, अपने नाम करवा लिया किसके नाम? मकान नहीं स्टाम्प करवाया था बेटा, रजिस्ट्री तो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो वो उल्टा घर भी वो आपसे वो खींचना चाहते हैं? जी जी खींचना चाहता, उसने 2 करवाए हैं, एक स्टाम्प ऐसा करवाया कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी बीवी के नाम कर दूंगा, दूसरा स्टाम्प पे उंगलियां करवा दिया उसमें अपने नाम करवाने लगा था। तो उसी टाइम हम लोगों ने पुलिस स्टेशन गए हैं, उसे सारी तफसील बताई कि इसने हमारे साथ ज्यादती की है। तो हम लोगों इन्होंने हमारे ऊपर हरासमेंट का केस करना शुरू कर दिया। मेरे मियाँ जाके इनके घर बोले, कहते क्या बात है हमने तुझे भाई बना के तुमने मेरी जड़ें काट दी हैं, ऐसे तो नहीं करते थे, पैसे चाहिए तो वैसे ले लेता हमसे। बेटा नहीं गुर्दे ठीक हो रहे तो कहते कि 2 साल तुम नहीं ठीक हो रहे तो तुम लोग चले जाओ, मेरे साथ इलाज नहीं कर सकता मैं। तो बेटा मेरा मियाँ की इतना हालत ख़राब ना होती जिस हालत में इसने मेरे मियाँ को पहुँचाया, अल्लाह ताला किसी दुश्मन के वो बिना पहुँचाए। फिर इसका बेटा और इसका वो आया वकील, जो उसका वकील जो बेटा है उसका साथ छोटा बेटा है, हमारी 22 शहर में बारी है, वहाँ पे खलो गए। मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, कहते हैं लूला तू लम्बा पिया हुआ कि तेरी बुढ़ी रुकी हुई थाने तक चेहरी डोल दे। मेरा मियाँ हाइपर हो गया, ऐसा हाइपर हुआ बेटा मियाँ हॉस्पिटल के अभी दोबारा वापस घर नहीं आया, सीधा मियाँ ने सब चला गया। उसके बाद मेरे घर में कुल करवा के ही बेटा उसने मेरे घर में ईंटें मारी है, हकीम के बेटे ने और उसके एक दोस्त ने जवेद ने जो 9 साल छोड़ा हुआ था, ईंटें मार के धमका रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं वो लोग बेटा। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ मेरा पीछा करते हैं, कहते हैं कि ये तुम लोग केस वापस लो। बेटा मैं केस वापस ले लूँगी, वो तो चला गया, मैं भी जाना चाहती हूँ पर मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा। मैंने तो पुलिस वालों को भी कहा है कि अगर इंसाफ नहीं चला सकते तो फिर हमें मार दो यहाँ पे, धड़ मरने से बेहतर है। वो हमारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ है वो मकान लेने के चक्कर में बैठा, उसने थाने में धमकी भी दी है उसके बेटे ने कि देख रहा मैं तुम्हारा मकान कैसे बुकवाता हूँ। पुलिस वालों को हर चीज़ मिल गई, सबूत मिल गए, गवाह मिल गए, सब कुछ हो गया। ये कल भी थाने हो गए, यूँ कभी कुछ कहते कहते कभी कहते थाने में खलो के मुझे हमारे साथ गाली गलौज की है। बेटा अगर थाने में खलो के गाली गलौज की तो पुलिस वाले किधर थे? वकालत तो दी गई है हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, कि लोगों का घरों को छीनने के लिए वकालत बनाई गई है। उसने अपने बाप को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसे सजा भी दे रहा है, उसने ताने जाके झूठे मस्जिद में कुरान उठाया है। अभी वो क्या चाहते हैं आप? वो ये चाहते हैं कि मकान मन को दे दूं, धतर की ठोकरें खाऊं। उनका अपना मकान मकान नहीं है या क्या वजह है, क्यों आपका मकान है? बेटा उसके 2 मकान है, उसने 2 शादियां की हुई थी, एक शादी उसकी घर वालों ने की, दूसरी शादी उसने घर से भगा के की हुई थी। फिर उसकी ग्रेजुएटी आई है, उसकी ग्रेजुएटी लेके आधी उसकी ग्रेजुएटी खा पी के फारिग हो गया। ये कहने के लिए ये 20,000 चाहिए थी, क्योंकि ये चाहिए 20,000 चाहिए तो प्रेशर थेरेपी के लिए 20,000 चाहिए, वो सुबह चिल्ले काटने मेडिसिनों की लैदा लेने दे दो, 2-3 लाख रुपया मैं महीने के कहाँ से निकाले, सिर्फ इसी बेस पर निकाले थे बेटा कि मेरा मियाँ चलना शुरू हो जाए। मैंने पैसों की परवाह नहीं की, सिर्फ इसी लालच में कि मेरा जो का तो एक रोप होता है, दबदबा होता है, थाने का समझो वो एक किस्म का मालिक होता है,
और उसके बावजूद इतने ज्यादा इतने बड़े फ्रॉड में हम लोग फंस गए। बेटा उसने दिमाग माफ कर दिया कि उसे मेडिसिन देता रहता था, हमारे दिन रात उसने हमारे घर का पीछा नहीं बेटा उसने छोड़ा। कितने अर्से पहले रिटायर हो गए? वो कम से कम 1.5-2 साल पहले रिटायर हो चुके हुए थे। जहर उसे रात चलना था आज करवाने से पहले रिटायर थे या बाद? नहीं करवा रहे थे हम लोग, तो जब फालिज हुआ तब रिटायर हो करवाया। मतलब जब उनका लाश शुरू करवाया था तब वो हाजिर सर्विस थे आपके शो? बिल्कुल हाजिर सर्विस थे बेटा। फिर जाहिर है उसके बाद उनको पेंशन मिलती होगी, तो पेंशन अब आपको मिल रही है? बेटा अभी नहीं मिल रही, अभी मेरे नाप नहीं हुई। अब ये सोच ले कि पहले उन्होंने अभी ये काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो पूरा काम किया किसी का साथ थे। आप अकेली हैं, ना आपकी औलाद है, ना कोई रिश्तेदार आपके साथ है, और जो सेविंग्स थी वो भी 30 लाख तक तो आप लोगों ने हकीम को खिला दिए, तो अब कैसे कर दिया बेटा उसने? हमें अल्लाह की जात है, जिसे पैदा किया वही रिस्क देगा। हमने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला देने वाला बनाई लेने वाला ना बनाई। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। मोहल्ले में इतने गंदे गंदे घटे घटे इल्जाम लगा रहा बेवा होने के बावजूद, वो इसी चीज का तो फायदा उठा रहा है। क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि हक सच का साथ दे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पर करे, अगर वो है तो साथ क्यों नहीं दे रहा इंसाफ इंसाफ हो रहा। ये ऐसा जाता है तो बड़े अफसर आगे जाके पेंडिंग में पड़ जाती है, और ऊपर जो वकील को देखते हैं पुलिस वाले वो वहाँ पे छुप हो जाते हैं। आपको पता है वकील वाले बदमाशी करते हैं, सारे वकील ऐसे नहीं है, कुछ वकील ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये वकालत का नाम बदनाम करना शुरू कर दिया। बेटा उसके बेटे का क्या नाम? हारिस है बेटा, उसका एक दोस्त है आबुद हुसैन, ये दोनों मिल के मेरे घर का अचानक छीनने में बैठे हुए हैं। आप क्या चाहती क्या है? मैं बेटे इंसाफ चाहती हूँ, पर ये कहती हूँ कि दुनिया में ये आदमी सामने आए और वो लोग बचे जिन लोगों को लूटता है। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ बेटी, मेरा घर का चेहरा बर्बाद हो रहा है, किसी और का ना हो चेहरा बर्बाद। इसमें हमारे साथ दुनिया को साथ देना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। उसकी डिग्रियाँ तक जैली हैं, वो कैसे हकीम हो सकता है? हेल्थ वालों ने कह दिया कि उसके दवाई देने की इजाज़त नहीं थी, उसे कैसे दवाई दे दी? आपकी रिसानी पता करें जी नादरीन, SHO की बेवा मेरे साथ मौजूद थी, उनकी बातें आपने सुनी। एक नौसरबाज हकीम किस तरह इनके मुताबिक 30 लाख रुपए तक इनसे 3 सालों में लूट के लेके चला जाता है, और जिस शख्स के इलाज जिस चीज़ के इलाज के लिए आता है, औलाद के इलाज के लिए, कि आपके घर में औलाद होगी, आपके घर में भी हंसता खेलता एक घराना होगा, बच्चे होंगे, उल्टा उनके शोहर को ही छीन लिया। ऐसी अद्वियात इनके मुताबिक उनको देता था कि वो फालिज के मरीज़ हो गए, फालिज के मर्ज के बाद फिर ऐसी अद्वियात देना शुरू की कि उनके गुर्दे ख़त्म हो गए, घर में आता था चिल्ले काटना शुरू कर देता था। इनसे 30 लाख रुपए तक बटोर के, और उल्टा अब ये चाहता है कि ये घर भी जो है जिस घर में अभी हम मौजूद हैं इस घर को भी वो अपने नाम लगवाना चाहते हैं, और उसका जो बेटा है वो उल्टा इन्हीं पर ही मुकदमा दर्ज कर रहा है कि तुम मेरे अपना मेरे फादर को मेरे बाप को कैसे जाली हकीम बोल रही है। उल्टा इस पर 2-2 करोड़ रुपए के जो है केसेस कर रहा है। तो ये खातून जो पहले से ही 30 लाख रुपया उनको दे बैठी है, यहाँ पर पता नहीं ना जाने कैसे गुजर बसर कर रही है कि कहाँ से इतने पैसे लाए। मेरी रियासत से भी दरख्वास्त है, हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इस खातून की जो है रुदाद को, इस खातून की जो बात है, इस खातून की जो कहानी, इसको सुना जाए। इसके जो शौहर थे वो सरकारी जॉब करते थे, उन्होंने इस मुल्क को सर्व किया, क्योंकि वो पुलिस वाले थे, एक SHO थे, उन्होंने इस मुल्क को सर्व किया। तो हम हुकूमत को भी चाहिए कि अब इनका साथ दें, और जो इनके साथ हुआ है, जो इनके साथ जुल्म हुआ है, उसको उनका इंसाफ मिलना चाहिए। जो पैसे इनके बर्बाद हुए हैं, जो फ्रॉड लगा लगा कर उसने बर्बाद किए हैं, कोशिश की जाए कि वो पैसे भी इनको रिकवर किए जाएँ, ताकि जो उनकी आने वाली ज़िंदगी है ये अपनी कुछ बेहतर तरीके से गुजार सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अल्लाह को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।